ये वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो इसका मतलब कि आपने सपनों को सच करने की राह पर पहला कदम उठा लिया है। इस लेख के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको वह आसान नुस्खा मिल चुका होगा जिसे अपनाकर आप कामयाबी की बड़ी ऊंचाइयां छू पाएंगे। हालांकि आप ऐसा करने वाले पहले इंसान नहीं होंगे। दुनिया में अलग अलग फील्ड में अपनी कामयाबी का परचम फहराने वाले एक से बढ़कर एक बिरले हुए हैं। इन कामयाब लोगों के पास एक ऐसी चीज है जो इन्हें बाकी लोगों से अलग करती है और वह चीज है इनका दिमाग। जी हाँ, वह आपका दिमाग ही है जो आपको इस संसार में कामयाबी के एवरेस्ट तक पहुंचा सकता है। आप जो चाहें वह पा सकते हैं। महंगे से महंगा घर, बेमिसाल ऐशो आराम, बड़े से बड़ा पद, एक बेजोड़ जिंदगी। आप सिर्फ उसकी इच्छा करें और वह आपकी होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग पर काम करना है। पहले आप ये जान लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े अमीरों, सबसे कामयाब लोगों का दिमाग कैसे काम करता है। आप अगर महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़ें, तो पाएंगे कि उन्होंने मन की पांच अवस्थाएं बताई हैं, क्षिप्त, मूल, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये आपको थोड़े मुश्किल नाम लगेंगे। आप मोटा मोटा इतना समझें कि तीन तरह के दिमाग होते हैं। पहला वह जो बहुत अस्थिर होता है। ऐसे दिमाग में कोई भी विचार थोड़ी देर के लिए भी टिक नहीं पाता। एक के बाद एक विचार आते रहते हैं। इसे हम मंकी माइंड कहते हैं। जैसे बंदर एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकता, वैसे ही मंकी माइंड किसी एक काम पर ध्यान नहीं लगा पाता। अगर आप एक साथ कई काम करते हैं और हर काम आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं, तो समझ लें कि आप मंकी माइंड के मारे हैं। महर्षि पतंजलि के बताए क्षिप्त और मूल मन इसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरी तरह का दिमाग वह है जो एकाग्र होना जानता है, यानी वह कुछ समय तक एक ही काम में ध्यान लगा सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक एकाग्र नहीं रह पाता। आपको अगर जानना है कि आपका दिमाग किस कैटेगरी में आता है, तो एक एकांत जगह चुनिए। घर में ना मिले तो किसी पार्क में या जंगल में चले जाएं और पूरी तरह से एकांत स्थान पर जाकर ध्यान में बैठ जाएं। कोशिश करें कि आपके दिमाग में कोई विचार ना आए। अगर आप 5 मिनट भी निर्विचार यानी बिना विचारों के बैठ पाए, तो जान लीजिए कि आपके पास एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा किस्म का दिमाग है। आप अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। महर्षि पतंजलि ऐसे दिमाग वालों को विक्षिप्त और एकाग्र की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जो दिमाग आपको दुनिया का सबसे रईस इंसान बना सकता है, जो दिमाग आपको किसी भी खेल में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बना सकता है, जो दिमाग आपको दुनिया का सबसे बड़ा राजनेता बना सकता है, जो बुद्ध का दिमाग है, जो बड़े बड़े योगियों का दिमाग है, उसे महर्षि पतंजलि निरुद्ध मन की कैटेगरी में रखते हैं। इसे हम ब्लेस्ड माइंड भी कह सकते हैं। जिसके पास ऐसा दिमाग होता है, वह जो ठान लेता है उसे पूरा करके मानता है। गौतम बुद्ध परम सत्य की खोज में घर परिवार छोड़कर बाहर निकले, जंगलों में भटके और एक समय वह मृत्यु के बहुत करीब पहुंच गए थे। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने से ठीक पहले वह निरंजना नदी पार करते हुए इतने कमजोर हो गए थे कि नदी पार ही न कर पाए। बीच में से ही लौट आए। उनका शरीर कमजोर पड़ गया था, पर दिमाग नहीं। ब्लेस्ड माइंड की खासियत ये होती है कि वह कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कभी अपनी राह से डगमगाता नहीं। राइट ब्रदर्स ने अगर ठान लिया कि हमें इंसान को उड़ते हुए देखना है, तो उन्होंने हर हाल में ये कारनामा करके दिखाया। थॉमस एडिसन द्वारा बिजली के बल्ब का आविष्कार, बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट बनाना, स्टीव जॉब्स का एप्पल, सचिन का 17 साल की उम्र में देश के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर लेना, एडमंड हिलेरी का एवरेस्ट की चोटी फतह करने से लेकर किपचोगे का 2 घंटे से कम समय में मैराथन दौड़ने का अनूठा रिकॉर्ड बनाना, ऐसी हजारों मिसालें दी जा सकती हैं, जबकि लोगों ने अपने दिमाग की एकाग्रता को बरसों तक बनाए रखा और कितना ही असंभव लक्ष्य क्यों ना हो, उसे हासिल करके दिखाया।
अगर आप भी एक ब्लेस्ड माइंड चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना है। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच, यह वह समय है जबकि ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। उस वक्त आपका दिमाग कम ध्यान से ही ज्यादा शांत, ज्यादा एकाग्र हो जाता है। एक ब्लेस्ड माइंड पाकर आप जिस तरह के असंभव कारनामे कर सकते हैं उसे देखते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 15-20 मिनट का ध्यान करना कोई बड़ा काम नहीं। यह एक छोटा सा लेकिन बड़ा जादुई नुस्खा है, करके देखें और खुद जान लें। किसी भी काम को करने के दौरान एकाग्रता बहुत जरूरी होती है। आपको एकाग्र होकर काम करने में मजा भी आता है और इसके परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काम कितना भी महत्वपूर्ण हो लेकिन दिमाग एकाग्र हो ही नहीं पाता है। कई तरह की चीजें आपका ध्यान भटकाती हैं। टीवी, इंटरनेट, कोई गाना, कोई किताब, एसएमएस, परिवार के तनाव, अपनों की बीमारी, सहकर्मी से मतभेद या फिर अपने ही जीवन का कोई अभाव अचानक आपके काम के बीच आपका ध्यान भटकाता है तो उससे निपटने की कोशिश की जानी चाहिए। एक ही वक्त में अलग अलग कामों की तरफ रुझान को मनोविज्ञान की भाषा में मल्टीटास्किंग कहा जाता है। अलग अलग शोध इस बात को सिद्ध करते हैं कि मल्टीटास्किंग एकाग्रता को भंग करने की एक अहम वजह है। इससे हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं और इस वजह से काम का वक्त बेकार ही चला जाता है। कई बार इसकी वजह काम का ज्यादा मुश्किल होना होता है तो कई बार यह भटकना काम में अरुचि होना भी दर्शाता है। असल में आप यदि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसे करना आपको पसंद नहीं आ रहा है तो ध्यान भटकने की संभावना बहुत ज्यादा हुआ करती है और बहुत हद तक ये सामान्य अवस्था भी है। इसके साथ ही यदि काम की प्रकृति जटिल है तब भी उस जटिलता से बचने के लिए ध्यान बढ़ता है। इस मामले में विशेषज्ञों का मत है कि काम करते हुए लगातार ध्यान भटकना आपके काम करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव डालता है। इससे रचनात्मक काम करने की क्षमता कम होती है और काम में रुचि का भी ह्रास होता है। इसलिए महत्वपूर्ण काम करने के दौरान एकाग्रता अच्छे परिणाम के लिए बेहद आवश्यक है। हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से जल्दी याद होता है। कारण स्पष्ट है कि उस वक्त ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं हुआ करती हैं। इसके साथ ही हमें बचपन से यह सीख भी दी जाती है कि एक वक्त में एक ही काम किया जाना चाहिए। इस समस्या से निजात के लिए सबसे पहले हमें अपने काम की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। ये तय करते ही कि किस काम को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, हमारा मस्तिष्क ये संदेश ग्रहण करता है कि उसे उस दिशा में ही काम करना शुरू करना है। यदि यह ट्रिक सफल नहीं होती है और आप किसी भी तरह से अपने काम में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो उस काम को वहीं छोड़ दें, अपनी सीट छोड़ दें, थोड़ा अपने सहकर्मियों से बातें करें, थोड़ा ऑफिस का या फिर कंपाउंड का चक्कर लगाएं, चाहे तो कैंटीन जाकर चाय पी लें या फिर थोड़ी देर के लिए संगीत सुन लें। इन सारे प्रयासों से आप लौट कर फिर से अपनी एकाग्रता पा सकते हैं। कई बार एकाग्रता की कमी की वजह बहुत भौतिक भी होती है, जैसे थकान, नींद, भूख या फिर किसी तरह की असुविधा। एकाग्रता की कमी से निजात पाने के लिए आपको सबसे पहले खुद को ऑब्जर्व करना होगा और यह जानना होगा कि किस वजह से आपका ध्यान लगातार भटकता है। उन कारणों को चिन्हित करते हुए उन्हें दूर करने के उपायों पर गौर करें। टाइम मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखें। अपने काम को पूरा करने के लिए एक समय सीमा का निर्धारण करें और उसका पालन करें। दिन भर में किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाएं और इसमें भी प्राथमिकता से पूरे करने वाले कामों का क्रम बनाएं। जब कभी तात्कालिक वजहों से ध्यान भंग हो तो थोड़ी देर काम को छोड़ दें, खुद से जबरदस्ती न करें। यदि इन सारे उपायों से भी आप अपने काम पर एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लें।
वैसे जरूरी नहीं है कि यह मानसिक भटकाव हमेशा ही हानिकारक हो। कई बार जब जटिल काम को लगातार करते रहने के दौरान दिमाग बोझिल हो जाता है तो कोई विनोदपूर्ण मैसेज, तेज बीट वाला संगीत या फिर 5-10 मिनट का ध्यान आपको रिफ्रेश कर देगा और आप दोगुनी ऊर्जा से काम में लग पाएंगे। बस यह एकाग्रता भंग की स्थिति बार बार ना बनती हो।